कोई पीडी आ रहे हैं। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट ये हमारी विंडो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसको हम कहीं पे भी सेव कर लेते हैं। ठीक है, हमारी ये विंडो कहाँ होगी, हम यहाँ होगी। ये टेस्ट वन, ये टेस्ट वन एक बनाया हुआ था पहले से मैंने। सबसे पहले हमने टूल बार से टूल्स लेंगे लेटर, ठीक है। लेवल की प्रॉपर्टीज में जाना, लेवल प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पे देखेंगे सेट वन, ठीक है। इसका काउंट हम यहाँ से बड़ा करेंगे, ठीक है। कोई भी काउंट रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, ठीक है। हमें दो टेस्ट बॉक्सेस चाहिए वैल्यू को लेने के लिए, ठीक है। ये हमारी लिस्ट है, लिस्ट में से ये टेक्स्ट बॉक्स वन आ गया, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये टेक्स्ट बॉक्स टू आ गया। इधर से हमने लेबल ले लिया, दो लेबल ले लिए, ठीक है। इसके अंदर हमें ये लिखना है कि वैल्यू वन वैल्यू टू, इसमें ये हमें ये लिखे हैं, ठीक है। और ये हमारे दो टेक्स्ट बॉक्सेज हैं, ठीक है। इसके अंदर होगा टैक्स लेबल टू, इसको हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसकी है, इसके अंदर हम वाई की वैल्यू लेंगे वाई, ठीक है। और ये टेक्स्ट बॉक्स का बटन करा दो, ठीक है। हमारा ये है एक कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि वाई की वैल्यू और के बराबर ही ना हो, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमें एक बटन चाहिए जो कैलकुलेट करेगा दोनों की वैल्यूज को, जिसके ऊपर हमने एक्सेल कोडिंग करनी है। और ये एक डाटा ग्रिड व्यू, डाटा ग्रिड व्यू में हम तीन कॉलम ऐड करेंगे। कॉलम वन होगा हमारा जिसमें इसमें है ये नंबर एवरेज इज हैवी, ठीक है। पहला नेम उसका नंबर एवरेज, दूसरा कॉलम आ गया, दूसरे का है एवरेज, तीसरा कॉलम है हमारा इज हैवी फ्लोर, ओके। ये हमारे पास इसमें अटैच रेड ग्रेड व्यू में तीन आ गए, नंबर एवरेज इज हैवी। ये दोबारा देखें, यहाँ से एडिट कॉलम या एड कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है। एडिट कॉलम में करेंगे तो जो पहले से आए हुए थे वो ये इधर आ गए। अच्छा, हमें रिजल्ट के लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, जिस तरह ये हमारे दो टेक्स्ट बॉक्स हैं टोटल हैवी काउंट यहाँ काउंट होकर आ जाएंगे कि कितने उसमें आए हैं, इस हैवी काउंट कितने हैं, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स ये है लेबल, इसका हम नाम रखा रिजल्ट, इसको दोबारा मैं बता दूँ किस तरह आया ये लेबल, ठीक है।
इसको सम कर दें तो यहाँ डैश लगा दें ताकि छोटा सा डैश बन जाए। और इसका नाम यहाँ से हम नाम चेंज करके एल डी एल लेबल रिजल्ट, तो ये कोडिंग में जब भी यूज़ होगा तो ये वाला नाम यूज़ होगा। ठीक है, नेम इसको फिलहाल डिलीट करते हैं। ये हमारा है डिज़ाइन। अगर हमने इसका बैकग्राउंड फॉर्म का ये एक और चीज़ है स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द फॉर्म वन, ये फॉर्म वन ऊपर लिखा हुआ है, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन सेंट्रल डिस्प्ले रखते हैं। इसका बैक कलर, ये इसका बैक कलर है, अब हम अपनी मर्ज़ी से चेंज करते हैं कि इसका हमने क्या रखना है। ठीक है, कोई भी इसका कलर आप रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको अब हम कंपाइल करते हैं। जब हम कंपाइल करेंगे तो इसका जो हमने डिज़ाइन बनाया हुआ ये हमारे पास सेंट्रल स्क्रीन आ जाएगा। इसके अंदर कोई भी हम वैल्यू लिख सकते हैं, अभी हमने कोडिंग किसी बटन पर नहीं की। ठीक है, ये था हमारा डिज़ाइन, अब जो बनाना डिज़ाइन कोडिंग हम नेक्स्ट उसमें आपको सिखाएंगे कोडिंग किस तरह से करना है। दूसरी वीडियो अभी मैं बनाता हूँ कोडिंग की।